फाइंडिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर्स, हम बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं, उनको अगर ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर्स. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज गिविन कमांड्स लाइक दीज. फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर्स नॉर्थ. सेकेंड डिस्प्लेसमेंट is 30 root 2 meters southwest. Third displacement of 50 meters east. These are the three displacements commands: 40 north, 30 root 2 southwest, 50 meters east. We need to find total displacement. Total displacement, D total, is given by D1 plus D2 plus D3. D1 plus D2 plus D3. Now remember, what you cannot do is this: D total equals to D1 plus D2 plus D3. It's not allowed. It means आपने तीनों के magnitudes को add कर दिया. Magnitudes को add करना मतलब 40, 30 root 2 and 50. अगर आप तीनों के magnitude add करेंगे तो आपको displacement नहीं मिलेगा, आपको distance मिलेगी. हम चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना टोटल. प्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, यू राइट डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री. इस तरह से नहीं कर सकते. नाउ ये जो कमांड्स हैं, इन कमांड्स को किस तरह से ऐड करना है, इस चीज को सीखिए. दो कमांड बहुत इजी हैं कन्वर्ट करना, हालांकि सेकेंड भी इजी है. 50 meters east. अभी तक आपको पता लग चुका है कि east को easily क्या लिखा जा सकता है, 50 i cap. 40 meters north. North is 40 j cap. East, north, west, south. I cap minus I cap, J cap minus of J cap. Now this 30 root 2 meters southwest, 30 root 2 southwest, इसको I और J में convert करना हमने सीखा हुआ है. फिर से 30 root 2 southwest किस किस direction में हम interested हैं, एक तो साउथ और दूसरा वेस्ट, दोनों को ड्रॉ कीजिए. साउथ एंड वेस्ट कितना ट्रेवल करना है, 30 रूट टू. दैट्स 30 रूट टू. लेंथ ऑफ दिस एरो इज 30 रूट टू. एंड इफ इट सेज साउथ वेस्ट, देन यू नो दैट एंगल शुड बी एग्जैक्टली 45 डिग्रीज. अगर इस तरह के स्टेप को समझने में प्रॉब्लम है तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स को देखिए. दिस लेंथ ऑफ 30 रूट टू यू नो कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स. जो ब्रांच एंगल के साथ है वो बेस कंपोनेंट, जो ब्रांच एंगल के ऑपोजिट है दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट. जो हमारा बेस कंपोनेंट है उसका लेंथ आएगा 30 रूट टू cos 45. जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका लेंथ आएगा 30 रूट टू sin 45. जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था दैट वॉज 30 रूट टू. इस 30 रूट टू का ये बेस कंपोनेंट है. बेस के लिए cos से मल्टीप्लाई, परपेंडिकुलर के लिए sin से मल्टीप्लाई. Now, you know that cos 45 is 1 by root 2, that gives us 30.
sine 45 is also 1 by root 2, that gives us 30. That means this command of 30 root 2 southwest is nothing but 30 किधर मूव करेंगे आप, वेस्ट 30 मीटर्स कहां मूव किया आपने, वेस्ट प्लस 30 मीटर्स आपने कहां मूव किया, साउथ, दैट्स 30 मीटर्स साउथ एंड देन फाइनली वेस्ट इज व्हाट माइनस आई कैप, साउथ इज व्हाट माइनस जे कैप एंड देयरफॉर दिस थिंग इज 30 minus I cap plus 30 minus J cap. 30 west, west is what? Minus I cap plus 30 minus of J cap. इसको आप simplify कर दीजिए. This is minus of 30 I cap minus of 30 J cap. A command like this, 30 root 2 meters southwest is nothing but minus 30 I cap minus 30 J cap. धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए. South minus I. Sorry, south minus J. West minus I. और अगर ये इस तरह का है 30 root 2, रूट टू, तो दोनों को इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन दे दीजिए 30-30. प्रीवियस लेक्चर्स में अपन इस ट्रिक को सीख चुके हैं. अब एक बार इन सारे कमांड्स को आई कैप एंड जे कैप में कन्वर्ट करने के बाद, अब अगर आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा उसके लिए आपने क्या करना है, यहां देखिए G2 was minus of 30 I cap minus of 30 J cap. Total displacement find करने की जो टेक्निक है, D1 plus D2 plus D3, it says जितने I cap parts हैं उनको एक साथ group कर दीजिए, जितने J cap parts हैं उनको एक साथ group कर दीजिए. I cap को collect करते हैं, this is minus 30 I cap, this is 50 I cap. यहां कुछ नहीं, तो माइनस 30 आई कैप एंड 50 आई कैप, दैट गिव्स यू 20 आई कैप. अब जे कैप को ग्रुप करते हैं, दिस इज 40 जे कैप एंड दिस इज माइनस 30 जे कैप. 40 माइनस 30 इज व्हाट, प्लस 10 जे कैप. जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ये बना हुआ है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप. इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि इस तरह की कमांड को किस तरह से हम लोग इस तरह की कमांड्स में कन्वर्ट करते हैं. फिर से सीखते हैं उसी चीज को. एम इज टू प्लॉट वेक्टर लाइक 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप. क्या करेंगे हम, एक्सिस सिस्टम ड्रॉ किया, किस किस चीज से बात होनी है, आई कैप, साथ में कौन है, जे कैप, दोनों को डिफाइन कर दीजिए. That's your I cap and that's your J cap. I cap की तरफ एक arrow draw करिए 10 length का, J cap की तरफ एक arrow draw करिए 10 length का. I cap का arrow, its length is 20 and J cap का arrow, its length is what, 10. Complete the rectangle and join this diagonal. This vector is 20 I cap plus 10 J cap, which is nothing but D total. Here aapka D total. Arrow length will give you the magnitude, D total. Without arrow, it gives you magnitude. Simple radical triangle hai, ye 10 hai, ye 20 hai, and therefore length of the diagonal is 10 square plus 20 square. Which is coming root over 500, which is 10 root 5 meters. Regarding angle,
this is theta. If this is theta, then you can see that tan of theta is perpendicular. Length of this perpendicular is what? 10. This length is 10. And base you can see is what? 20. 10 upon 20, which is 1 by 2. Tan theta is what? 1 by 2. Agar tan theta 1 by 2 hai, to is theta ko kya bolte hai? Wo hum online lectures mein seekh chuke hai. Isliye directly yahan pahunchte hai, convert karte hai is command ko. This 20 I cap plus 10 j cap stands for 10 root 5 meters. 10 root 5 meters. Tan theta agar 1 by 2 hai, to hum ise bolte hai, theta is 10 inverse 1 by 2. It looks like power is minus 1, but we don't call it power minus 1, we call it 10 inverse 1 by 2. Theta is tan inverse 1 by 2, which means total displacement is of 10 root 5 meters hither at tan inverse 1 by 2. Tan inverse 1 by 2 kahan se batana padega? Tan inverse 1 by 2 ye direction kahan se aa rahi hai? From east. From east kis taraf aa rahi hai? North. From east to north. D1, D2, D3, we have solved this question of finding total displacement or finding vector sum with the help of I cap and J cap. Go down this.